बीजेपी नेता और एक्ट्रेस सोनाली फोगाट के मामले की जांच के बीच उनकी आखिरी फिल्म को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है। लेकिन दोस्तों, सोनाली फोगाट की आखिरी फिल्म प्रेरणा अब बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म के डायरेक्टर नरेश ढांडा, जिन्होंने इस फिल्म में फोगाट के ससुर का किरदार निभाया है, उन्होंने बताया कि ये फिल्म मोटिवेशनल फिल्म है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में उन्होंने कहा, फिल्म का टाइटल प्रेरणा है। सोनाली फोगाट ने इस फिल्म में लीड रोल निभाया है। ये असल में मोटिवेशनल फिल्म है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे सोनाली फोगाट का किरदार प्रेरणा छात्रों को ये बताता है कि वे अपना हौसला और जिंदगी में उम्मीद ना खोएं, हमेशा आगे बढ़ते रहें। फोगाट 43 की अगस्त के अंत में गोवा पहुंचने के कुछ घंटों बाद हम सबको छोड़कर चली गईं। हालांकि इस फिल्म का उनके फैंस काफी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच बेटी यशोधरा ने भी सोनाली फोगाट के फैंस से बड़ी गुजारिश की है। उन्होंने कहा है, ये माँ की अंतिम फिल्म है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग इस फिल्म को देखें और अपना फीडबैक दें, क्योंकि यदि उनकी आखिरी फिल्म जिसमें उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं अगर ये फिल्म हिट होती है तो माँ को भी इससे खुशी मिलेगी। इसलिए हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और अपने रिलेटिव और दोस्तों में भी इसको साझा करें। तो दोस्तों, इस तरह से बेटी ने माँ की आखिरी फिल्म को देखने की अपील करते हुए फैंस से बड़ी बात कही है। वैसे आप सभी सोनाली की शानदार फिल्म को देखेंगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।